हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि मखाना के बारे में। इस वीडियो में हम मखाना की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। मखाना ये फॉक्स नट्स, कांटेदार जल लिली, यूरिले फेरोक्स के सूखे खाद्य बीज हैं। मखाना का उपयोग भारतीय व्यंजनों के कई खाद्य पदार्थों और मीठे व्यंजनों में एक घटक के रूप में किया जाता है। पतंजलि आपके लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले मखाने लेकर आया है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों हैं। पतंजलि फॉक्स नट्स प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है जो एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्णता से भुने हुए पतंजलि मखाने में कुरकुरे बनावट और भरपूर पौष्टिक स्वाद होता है। ये मखाने ग्लूटेन मुक्त भी हैं जो इन्हें आहार प्रतिबंध वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। अपने मजबूत पोषण मूल्य के कारण उपवास के दौरान पतंजलि मखाने का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और संतृप्त वसा कम होती है और ये आपके दिल के लिए अच्छा होता है। इसकी शेल्फ लाइफ 10 महीने की होती है और ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। मखाना लीवर को डिटॉक्स करता है, मधुमेह के रोगियों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और कैल्शियम की मात्रा के कारण हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज में कम होने के कारण वजन घटाने में सहायता करता है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है, स्वस्थ पाचन तंत्र का समर्थन करता है और महिला प्रजनन क्षमता के लिए फायदेमंद होता है। क्या मखाना पुरुषों के लिए भी अच्छा होता है, ये भी यहाँ जानते हैं। हर रोज मखाना खाने से पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और शुक्राणुओं की संख्या में सुधार करके प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेद में मखाना यानी फॉक्स नट्स को कामोद्दीपक माना जाता है। इसके अलावा वे प्राकृतिक हाइड्रेटेड हैं जो शरीर में नमी को लॉक करने में मदद करते हैं, इसलिए शरीर के स्त्राव की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। मखाना गर्म है या ठंडा, इसके बारे में बात करते हैं। मखाना की तासीर गर्म होती है और ये बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए कम से कम 4 साल की उम्र के बच्चों को मखाना देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई बार मखाना आसानी से पच नहीं पाता है, इसलिए बच्चे के आहार और कितनी मात्रा में दिया जाए, ये कितनी बार उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या रोजाना मखाना खाना ठीक रहेगा? जी हाँ, मखाना पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज को दूर रखने में मदद करता है। ये बेहतरीन एंटी एजिंग खाद्य पदार्थ है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। हर रोज मुट्ठी भर मखाना खाने से आपकी त्वचा भी जवान रहेगी। याद रखें, इसे तले हुए नाश्ते के तौर पर नहीं खाएं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पतंजलि मखाने के बारे में बताया, इसके साथ ही मखाने की यूज़ के बारे में बताया और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।